जय श्री राम भैया। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। अरे भैया विकलांग है क्या आप? हाँ। विकलांग होकर साइकिल चला रहे हैं? अरे प्रभु कृपा है, मालिक प्रभु कृपा है। भैया ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश धार जिला गाँव पंचरुंडी से आ रहा हूँ। मध्य प्रदेश से आ रहे हैं? तो कितना किलोमीटर यहाँ से? यहाँ से 1014 किलोमीटर पड़ता है। 1014 किलोमीटर वो भी साइकिल से? सबसे पहले तो आपको नमन है, वंदन है कि आप 1014 किलोमीटर से विकलांग होकर के, दिव्यांग होकर के जो है चल करके आ रहे हैं। सबसे पहले तो भैया ये बताइए आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई? प्रभु की कृपा ऐसी है कि मंदिर का सभी के अंदर जुनून है, तो किसी ने भी कोई तकलीफ नहीं आने दी। जहाँ भी रुके ना वहाँ पे भोजन पानी व्यवस्था। अच्छा ये बताइए इतनी शक्ति कहाँ से आई आपके अंदर जो 1014 किलोमीटर से चल करके आ रहे हैं दिव्यांग होने के बावजूद भी? देखो एक तो ना सबसे पहले भगवा रंग सभी के अंदर चढ़ा हुआ है और हमारे अंदर तो सनातनी रूप है, हम तो खून ही उसी का है। तो मेरे अंदर एक प्रेरणादायक ये उत्पन्न हुआ कि विचार आए कि हम प्रभु प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर जाए और वो भी साइकिल से, ताकि विकलांगों को ये पता लगे कि एक आस्था में इतनी ताकत है तो विश्वास पे कितनी बड़ी हो। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। और दूसरी बात ये है कि हमारी सरकार ने सब कुछ सोच लिया है, बस एक विकलांग के लिए नहीं सोचा है, इसलिए आया हूँ। विकलांग के लिए नहीं सोचा है? तो दोस्तों इस दिव्यांग भाई के लिए इस वीडियो को शेयर किया। भैया ने बोला है कि सरकार ने सबके लिए सोच लिया है पर जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए नहीं सोचा है। तो मेरा आपसे निवेदन है इस वीडियो को शेयर जरूर करें। भैया कितने साल के हैं आप? मेरा 25 रनिंग चल रहा है। अच्छा क्या काम करते हैं? मैं घर पर कोई काम नहीं करता हूँ, मेरे दो भाई है। अच्छा। मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ, पिताजी शांत होने के बाद में स्थिति डाउन होने के कारण मैंने पढ़ाई छोड़ दी, फिर लग गया आध्यात्मिक। भैया ये बताइए आपको कितने दिन लगे यहाँ पर आने में? मुझे 16 दिन लगे। 16 दिन लगे आज। अच्छा एक दिन में कितने किलोमीटर साइकिल चलाया? 60-70 किलोमीटर चलाया, फिर 30 और 40 की दो चार दिन 30-40 चलाया, पहले 60-70 किलोमीटर रोजाना साइकिल। देखिए दोस्तों जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है ना तो वह कहावत सत्य मुकम करोति वाचालम पंगुम गिरिम लंगते। तो देख सकते हैं इस प्रकार से भैया जो है विकलांग है, हम इन्हें विकलांग न कहकर के दिव्यांग कहें तो अच्छा रहेगा, और पहाड़ों को भी लाग जाता है जब विकलांग मनुष्य जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है। भैया यह बताइए हमारे दर्शकों को कि जब आप वहाँ से चल के आए तो ऐसा फील हुआ कि भगवान मेरे साथ हैं कि नहीं? हाँ जी कम्प्लीटली फील हुआ, और फील क्या मैंने एहसास हुआ। देखो मैं घर से निकला था ना तो कुछ भी लेके नहीं आया था मात्र बैग के अलावा। अच्छा कुछ भी नहीं, ओढ़ने का बिछाने का भोजन का व्यवस्था, जब जब दिल में जरूरत चाहिए मन में सोचा कि मुझे ये जरूरत पड़ेगी आगे स्थान पर मुझे वो मिल गया। और ये मैं इसको प्रमाण करके देता हूँ कि सत्य में सनातन का प्रेम सच्चा है, परमात्मा सत्य है, एक रूप है सब जगह, कोई भिन्न नहीं है। फाइनली अयोध्या में पहुँच गए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ करके? स्वर्ग से भी ऊपर और अति सुंदर जी। स्वर्ग भी कहे ना कि राम के आस्था के ऊपर स्वर्ग भी तीच बिंदु सफेद पन्ने के ऊपर काले बिंदु होते ना, इतना आसान है। मतलब ये खुशियाँ ऐसी है कि जिसे हम बयान नहीं कर सकते, अनुभव बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते, शब्द नहीं है अल्फाज। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए दोस्तों भैया ने कितनी अच्छी बात बोली है, और सही साइकिल से चल रहे हैं, 1000 किलोमीटर से चल करके आए और कोई इनको दिक्कत नहीं हुई। भैया बहुत से लोग ये बोलते हैं भगवान नाम की चीज नहीं, उनके लिए क्या बोलोगे आप? और तो फिर उन्हें ये कहना मुश्किल है उनको बताना, क्यों पता है? देखो हम भगवान नहीं है ये वो कैसे कह सकते? सर्वप्रथम क्वेश्चन यहीं से पैदा होता है, मूल यहीं से पैदा होता है। आप कैसे कह सकते हो कि भगवान नहीं है? और अगर है तो वो पूछते कि बताओ, तो पहले ये कहते हैं कि जो काम आपने सुना है, जो अपन सुनते हैं ना वो जायज नहीं होता, उस पे अनुभव जो होता है वो ही भगवान है, वही भगवान। अब वो कहते हैं कि भगवान नहीं, तो उन्हें कहो कि एक भगवान के पदवी पे चल के देखो, अगर आपको अनुभव होता है आप मान जाओगे भगवान। सही बात है, मैं भी भगवान तो जो है कण-कण में समाया हुआ है, कण-कण में है ना। मैंने सबके देखो बैग में मेरे कपड़ा मात्र एक जोड़ भी नहीं है, ओढ़ने का एक पूरे रामायण जी भागवत सुंदरकांड सब कुछ पढ़ा है, उसके बाद में एक सार देखा है कबीर दास जी का, सभी गुरुओं का सुना है। तो कोई नहीं हमको बड़े हो गया हमारा। तो दोस्तों आपसे निवेदन है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम।